चार तीन दो। आ जाओ काले चो, आज नहीं आए तो। आ गया भाई मेरा भाई। हमारे सामने सर झुकाए बैठी, इसने तो हार मान ली। अब तुम क्या करोगी सुल्ताना? काले चोर, ये क्या कर रहे हो? भाई मेरे भाई, इसके सामने अपना सर झुका रहे हो। उठो। नहीं, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा मलिका। लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी को ठीक करना होगा। काले चोर, मैं हार गया। हाँ? सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलो। ऐसे बोलो कि पूरे बगदाद को सुनाई दे। मैं तुमसे हार गया मलिका। हार गया मलिका। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। जो कहोगी मैं वो करूंगा। सच? देर आए दुरुस्त है। अब तुम हमारे लिए शैतान के खंजर के तीनों हिस्से लेकर आओ, और उसी खंजर की कसम, काम पूरा होते ही हम तुम्हारी अम्मी को ठीक कर देंगे। लेकिन मैं तुम पे यकीन क्यों करूं? हार मान के इन बेचारों का यकीन तो तुमने तोड़ दिया। हो सकता है कि हम तुम्हारा यकीन ना तोड़े, ये खतरा तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। मंजूर? मंजूर। कल सुबह मैं शैतान का खंजर ढूंढने चला जाऊंगा। उफ, बड़ा मजा आएगा। मिया, चलो। मलिका की शर्त क्यों मानी? भाई मेरे भाई, क्या तुम सच में शैतान का खंजर लेकर आओगे? खंजर मिलते ही वो पूरी दुनिया में कहर मचा देगी, और फिर सड़ी से शक्ल बनाकर कहेगी मजा आएगा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि मलिका के साथ साथ तुम लोग भी इसकी बातों में आ गए। तुम लोगों ने ये देखा कि अलादीन मलिका के सामने झुका, पर ये नहीं देखा कि ना इसकी गर्दन झुकी ना नसरें।
अलादीन ने अपने घुटनों को मलिका के सामने जमीन पर नहीं लगने दिया। मुझे पता था मेरा बेटा ऐसा कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं होगा जिससे दूसरों को तकलीफ हो, इसलिए मैं चुपचाप और से इसे देख रही थी। मलिका के सामने अलादीन ने अपने घुटनों को जमीन पर नहीं लगने दिया, इसका मतलब बिना कुछ कहे अलादीन ने मलिका के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। अम्मी, तभी आप इतनी चुप थी और इससे कोई सवाल भी नहीं कर रही थी। सुल्ताना, माँ सवाल नहीं करती, सिर्फ यकीन करती है। दुनिया बातें भी नहीं समझ पाती और माँ खामोशी भी समझ जाती। या अल्लाह, इस रिश्ते को हर बुरी नजर से बचाना। भी समझ गई थी कि मैं तेरे साथ रह रहकर थोड़ी शातिर मैं भी हो गई हूं। मैं आपके बिना अधूरा हूं अम्मी, मैं बहुत जल्द आपको ठीक करके रहूंगा। मगर कैसे कॉलेज हो? अगर मलिका ने अम्मी पर किया हुआ जादू वापस ले लिया तो अम्मी ठीक हो सकती है। भाई मेरे भाई, वो ऐसा क्यों करेगी? जान पे बनाएगी तो वो सब करेगी गुल्लू। उसकी जान पर बनाएगी? अगर तुमने उसकी मांग पूरी कर दी तो बाकी सबकी जान पर बनाएगी। उसकी मांग ही उसे खत्म करेगी नचड़ी। मतलब काले चोर ने मलिका को खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया। शैतान का खंजर अब ज्यादा दूर नहीं, उसके आते हम शरबती बर्बादी बना लेंगे और उसके बाद वो आएगा, वो जिसके नाम भर से ही सबके दिलों की धड़कन रुक जाती। शैतान। शैतान के आते ये मुल्क तो क्या पूरी की पूरी कायनात हमारी मुट्ठी में होगी। शैतान आएगा तभी तो हमारा मकसद पूरा होगा, जो बात नहीं मानेगा तो सजा पाएगा। बड़ा मजा आएगा। शैतान का खंजर मलिका को खत्म कर सकता है। ये तुम्हें किसने बताया? जहर ने? नहीं, जहर की जहर के बस की कुछ नहीं है। आका, इस उल्लू को आप ही समझाइए। अंगुड़ी छाप। ये बात हमें एक जादूगरनी की किताब के इस पन्ने ने बताया, पर मलिका नहीं जानती है कि शैतान का खंजर उसके लिए उसकी ताकत भी है और उसे खत्म करने का एक लौता जरिया भी है। इसलिए मैं शैतान का खंजर लेने जाऊंगा। पर काले चोर, खंजर मिलते ही तो वो सब कुछ तबाह कर देगी। और वो खंजर उसके हाथ ही ना लगे तो? मैं वो खंजर लाऊंगा और सबसे पहले अम्मी को आजाद करूंगा।
और फिर उस मलिका का किस्सा खत्म करूंगा। इस पन्ने में लिखी बात झूठ भी तो हो सकती है। शायद। इसलिए अंगूठी साहब, तुम जिन्नात की किताब खोल जाओ और ये पता करो कि इसमें जो लिखा है वो सच है या नहीं। जो हुक्म मेरे आका, बकरी गई घास चर, मैं चला किताब घर। पर भाई मेरे भाई, तुम्हें ये पन्ना दिया किसने? है एक जाना पहचाना अजनबी, बहुत जल्द मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा, उसे देखते ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। शैतान को बुलाना नामुमकिन है, पर नामुमकिन को मुमकिन करना है मलिका की अदा है। शैतान ने वो खंजर हम तक पहुंचाया था, अब वो खंजर हमें शैतान तक पहुंचाएगा। उसके तीनों हिस्सों को जोड़कर उसे दुआ करके उसे जगाएंगे। शैतान आएगा और पूरी कायनात हमारी गुलाम बन जाएगी, और हमारे सबसे खास गुलाम बनेंगे अलादीन और उसकी यास्मीन। जो बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा। बड़ा मजा आएगा। काले चोर ने कहा था कि वो और उसका खबरी हमें यहीं मिलेंगे, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। पर वो खबरी होगा कौन? भाई मेरे भाई ने कहा था कि उसकी शक्ल देखते ही हमें सब समझ आ जाएगा। ये कैसी आवाज है? दीन को फंसाया हमने, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया हमने, सादी को बहकाया, बेवकूफ बनाया हमने, और बादशाह सलामत को हमने मारा। सुल्तान यास्मीन, तू कैसे बचा, यहाँ कैसे आया? ये सब सोचने समझने में हम बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। अरे खत्म करेंगे। खामोश। ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं वजीर गुल्लू, और ना ही पता करने में हमें कोई दिलचस्पी है। नखचड़ी, छोड़ो नखचड़ी। लाले लाले लाले, मेरी बात, तुम्हारी बात हम बाद में सुनेंगे, पहले हम इसे देख ले। सुल्ताना एक बार आकर सुन, इंसान मर के वापस थोड़ी आता है, फिर ये कंबक कैसे आ गया? कंबक? अरे गुल्लू एक बार आकर की बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा था कि तुम जो कह रहे हो बाद में कहना, पिछली बार न जाने कैसे बच गया, इस बार हम इसे नहीं छोड़ेंगे। पर जफर तो मर चुका है ना, तो इंसान मर के वापस थोड़ी आता है। एक बार आकर की बात तो सुन लो। सुनिए, अरे तुम दोनों मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे, जब तक हम इस शैतान को खत्म नहीं कर लेते हम कुछ नहीं सुनेंगे। तुम तो मर चुके हो ना, और कोई इंसान मर के वापस कैसे आता है? एक बार आका की बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा अब हम इसका सर कलम करेंगे। हटो। चुप। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों क्या सोच रहे हो। भाई यही ना, भाई मेरे भाई, इस सफर तो मर चुका है और इंसान मर के वापस। हो जाओ गुल्लू, दो पल के लिए चुप हो जाओ। ये जफर नहीं है, जफर और जहर का भाई है। छोटा भाई, फराज,
राज जो दिल में कोई राज ना रखता हो। मैं और अंगूठी छाप हम भी इसे देखकर हैरान हो गए थे। जहर ने इसे अपनी गुफा में कैद करके रखा था। इसमें तो लिखा है जादूगरनी मलिका को उसका अपना ही शैतान का खंजर मार सकता है। पर काले चोर तुम ये जफर और जहर के भाई पर मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ, है ना? बिल्कुल, इसीलिए मैंने फराज का दिया हुआ पन्ना अंगूठी छाप के साथ जिन्नात की किताब पर भिजवाया, ये पता करने की उस पन्ने में जो लिखा है वो सच है या नहीं। और बात पूरी तरह सच है आका। हाँ सुल्ताना। यारी जिंदाबाद। यारी भाई, मेरे भाई इसे समझा दो सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखो देखो सुल्ताने के सामने कैसे बैठा है। सुनो, तुम चाचा चाची के बेटे वो गुलबदन हो ना? और ये अंगूठी का जिन, इससे तो मैं मिल ही चुका हूं। ताना का एक बाल पुलन मिले तो आपसे अभी अभी हैं, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि जान पहचान बहुत पुरानी है। क्या पुरानी है जान पहचान? बीच में मत बोला करो। बीच में? अभी तो तुमने पूछा। जिगर वो हमारा अंदाज है। क्या है अंदाज? बीच में मत बोला करो ना। अच्छा, मैंने सुना था अलादीन के पास पूरी टोली है, तो सबका है? ए, बोलो ना। सब गिनी मिनी चांद चंगेजी और छोटा जिन्नात की दुनिया गए हैं आका सुल्ताना और अम्मी के लिए दुआ मांगने। उन्हें लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। सच बताऊं अलादीन, तुम सच में बहुत खुशनसीब हो। तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हें चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले इतने सारे लोग हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा अलादीन? मैं अलादीन की अम्मी, अगर आप कहें तो आपको दोबारा अंधा कर दें। अम्मी आवाज में इतनी फिकर और आंखों में इतनी मोहब्बत, ये अलादीन की अम्मी ही हो सकती है। दूर रहो। हाथ हाथ मत लगाना, तुम्हें झटका लगेगा। इस इंसान ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई जिसके बुलाने पे एक सरफरी जादूगरनी की वजह से आपकी यह हालत हो चुकी है, आप उसके भाई की फिक्र कर रही हैं। मैं जफर और जहर का छोटा भाई हूं, राज जो दिल में कोई राज नहीं रखता। एक बात कहूं, अगर कभी मैं दोबारा पैदा हुआ तो आपका बेटा बनना चाहूंगा। आज मैं बता सकता कि मैं भाईजान और आपा के किए पे कितना शर्मिंदा। मैं तुम्हारे दिल का हाल समझता हूँ फराज। भाईजान हमेशा तुम्हारे बारे में एक ही बात कहते थे, तुम बिल्कुल औरतों की तरह जज्बाती। जज्बात में बहुत ताकत होती है फराज, और औरतों में भी। अम्मी, नक्चड़ी, जिनी मिनी, ये सब इसकी मिसाल है।
अगर इन तीनों की ताकत का एक कतरा भी हमें मिल जाए तो ये दुनिया सुधर जाएगी। अंगूठी छाप, फराज आज हमारे साथ यहीं रुकेगा, इसके रहने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जो हुक्म मेरे आका। आका, हम वो खंजर लाने कब निकलेंगे? कल सुबह। तुम सबने हर बार की तरह मुझ पर यकीन किया है, वो यकीन मुझे जान से भी प्यारा है, वो मैं टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अम्मी को ठीक करके रहूंगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं काले चोर। भाई मेरे भाई, ये नक्शा तुम्हें किसने दिया? फराज मियां ने। अम्मी के इस किताब के मुताबिक ये वाला नक्शा हमें उन तीन खंजरों तक पहुंचने वाले सिर्फ रास्ते तक ले जाएगा। कहां ले जाएगा? रास्ते तक। बीच में मत बोला करो। बीच में मत बोलो, खुद ही पूछता है फिर बोलता है बीच में मत बोलो। अच्छा, इस रास्ते में बहुत सारी तकलीफें और बहुत सारे मोड़ आएंगे। गलत मोड़ मंजिल से दूर ले जाए, सही मोड़ मंजिल के करीब। अब बगैर भटके खंजर तक कैसे पहुंचना है ये हमें ही सोचना होगा। नहीं, मैं मानता हूं मेरी अम्मी जादूगरनी थी, लेकिन यकीन मानो उन्हें उस खंजर तक सीधे कैसा पहुंचा जाए उसके बारे में कुछ पता नहीं था, और उस किताब में भी कुछ नहीं लिखा। बस मैं तो यही चाहता हूं कि जादूगरनी मलिका को खत्म करने में मैं कुछ काम आ सकूं। तो मैं यही सोचूंगा कि भाईजान और आपा के दिए हुए जख्मों को मैं थोड़ा बहुत भर पाया हूं। अंगूठी साहब, हमें खंजर के पहले हिस्से को ढूंढने के लिए अभी निकलना होगा। जी आका। तुम्हारे पीछे से मलिका को हम देख लेंगे, अम्मी की बिल्कुल फिक्र मत करना। नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। अब्बू, मैं उस खंजर को लाने जा रहा हूं और मैं मलिका को जीतने नहीं दूंगा। और तो पहले आपने उसे रोका था, इस बार मैं उसे रोकूंगा।